आज ही के दिन चांद बीबी की शहादत हुई थी उनके खिराज अकीदत के मौके पर। ATU चांद सुल्ताना हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज में उनकी याद में एक प्रोग्राम किया गया। अहमदनगर के सुल्तान की बेटी का नाम चांद बीबी था। वो अपने पिता की इकलौती संतान थी। उस समय दिल्ली पर बादशाह अकबर का राज था। चांद बीबी बहुत ही होशियार थी और कला में रुचि रखती थी। उन्हें मराठी, अरबी तथा फारसी आदि भाषाओं का अच्छा नॉलेज था। चांद बीबी की सेना में कोई भी कमजोर नहीं था। अकबर बादशाह की फौज कई महीनों तक किले में घुसने की कोशिश करती रही और घेरा डालकर पड़ी रही, मगर वो कभी अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सके। जब किसी तरह से उनकी फौज का जोर नहीं चला तो अकबर की फौज ने किले में कई जगह बारूद लगा दी, जिससे एक जगह पर किले की दीवार टूट गई और किले में घुसने का रास्ता मिल गया। उस वक्त चांद बीबी ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया। उन्होंने अकबर बादशाह की फौज का डटकर मुकाबला किया, उन्हें किले में घुसने नहीं दिया और साथ ही साथ किले की टूटी हुई दीवार को भी बनवाती रही। अकबर की सेना अपना मनोबल खोने लगी। जब अकबर बादशाह की फौज पूरी तरह से मायूस हो गई, तब उन्होंने समझौता करना चाहा कि अगर बराबर की जगह उनको दे दी जाए तो वो अपना घेरा उठा लेंगे। मगर चांद बीबी साथ ही अहमदनगर की फौज ने उनका यह मशवरा नहीं माना। मुगल बादशाह की विशाल सेना के सामने चांद बीबी जरा भी मायूस नहीं हुई। उनका साथ उनकी बहादुर फौज दे रही थी।